If you are a true blue Indian or aap chutti pe ja rahe ho, chai ho Sardinia or Sicily, London, Paris, Rome, Marbella or Mallorca, zaruri 2-3 din ke baad aapko kuch chatpat Indian ka ichha aa jayega. Aaj hamare saath hai khaas mehman Mr. Manish Agarwal, scion of the Bikanerwala food conglomerate. As we catch up with him in their beautiful, fancy Noida restaurant. Fuck all y'all. Hello, Manish. Hello, how are you? Welcome to the Big Idea. Thanks a lot. And I must tell you, ये interview जल्दी खत्म करना है क्योंकि ये खाना देख के इतने mouth watering है और इतने tempting है, but interview के बाद. Sure, thank you. अच्छा, हमारे साथ share कर लीजिए the history of the Bikanerwala food conglomerate. So, this is our family business, and we are the fourth generation in this business. Wow. My first generation was my great-grandfather. Huh. He was in Bikaner only. Okay. And the second generation grandfather had come to Delhi in 1950. Oh. So, pehle shuruat mein Bikanerwala was in Bikaner actually. So, Bikanerwala, humne brand naam humne rakha nahi. Ye Delhi ke logon ne hame Bikanerwala kehna shuru kiya, tab iska naam Bikanerwala rakh diya. Achha, interesting. Okay. So, jab grandfather 1950 mein aaye the, तो उन्होंने यू नो ठेले में काम किया, अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए, अपने जैसे एक नॉर्मल एक आदमी स्टार्ट करता है अपनी लाइफ, दैट्स हाउ ही स्टार्टेड. और वो रेसिपीज अभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? रेसिपीज तो वही ट्रेडिशनल है, उसके बाद में हमने कलेक्शन करते करते रेसिपीज ऐड करते चले गए. उस समय कुछ वैरायटीज कम होती थी, अब वैरायटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. चेंज इतना है, बट हम ट्रेडिशनल हैं और ट्रेडिशनल रेसिपीज रखे हैं. और नॉर्थ इंडियन रेसिपीज, साउथ इंडियन रेसिपीज, द स्पेशलिटीज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, हां सब ऐड करते चले गए. सो ट्रू, सो ट्रू. सो दैट्स व्हेन माय ग्रैंडफादर जनरेशन केम इनटू बिजनेस. हां, उन्होंने अपने हाथों से बहुत काम किया क्योंकि उस टाइम बिजनेस ग्रोइंग स्टेज पे था, बहुत छोटे स्केल पे था. और इतने लोग हम हायर नहीं कर पाते थे, तो हमारे फादर की जनरेशन ने, पूरी जनरेशन ने, बिकॉज अ जॉइंट फैमिली बिजनेस, सब लोगों ने अपने फील्ड में बहुत काम किया, अपने हाथों से काम किया. ये मिठाइयाँ सब अपने हाथों से बनाते थे और सर्विस करते थे, कस्टमर्स को खिलाते थे, बहुत खुश होते थे, बहुत इन्जॉय करते थे अपने काम को. तो उन्होंने अपने इस बिजनेस को बहुत एक मेहनत करके ग्रो किया है. दिस इज व्हाट इट्स अबाउट इन इंडिया. आप सही कह रहे हो मनीष, इट्स नॉट बीन इजी, राइट? काफ़ी मेहनत करने पड़ा, काफ़ी. तो अब उन्होंने इसमें काम करके एक प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा किया. फिर इट वॉज माई टर्न to enter into this business and my generation rather, I should say. Correct. कितने लोग हैं आपके generation में? हमारी generation में हमारे पास around 12 लोग हैं. 12 लोग हैं. अब this fourth generation. Yes, yes. Involved with Bikanerwala. Yes, yes. आपने कभी सोचा कि कुछ और करना Bikanerwala के अलावा? हम लोग पैदा ही इसी business में हुए हैं, हमें और कुछ समझ में नहीं आता. Really? सिर्फ food. ट्रेडिशनल फूड. और हमें हमारे फोरफादर्स ने इसी चीज़ का विजन दिया. हम लोग सोचते हैं कि ये फूड जो है एक, इट इज़ नॉट ओनली बिजनेस, इट इज़ सर्विस. इट इज़ सर्विस टू द पीपल ऑफ इंडिया. आप देखिए कि इंडिया के इंडियंस लोग बाहर चले जाते हैं, यूके चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, बाहर सेटल करेंगे, बहुत लाइफ जियेंगे वहाँ पे, लेकिन भाषा हिंदी बोलना चाहते हैं, फूड इंडियन खाना चाहते हैं. तो दीज आर टू थिंग्स व्हिच पीपल डोंट चेंज. इट गोज़ विदाउट सेइंग. एग्जैक्टली. और मज़ा भी होता है कि बाहर जाने में आप गुजराती, हिंदी, जो भी. हाँ. और चटपट कुछ तो चाहिए. हाँ. चाहिए. ये हम इंडियंस की बात नहीं है, हर कल्चर की बात ही है. लोग अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं. yeah. और स्वाद नहीं छोड़ते हैं, वो तो टेस्ट इंडियन रहता है. yes, yes, तो हम सोचते हैं कि जब हम लोगों को एक उसका ट्रेडिशनल फूड खिलाते हैं, तो हम एक सर्विस करने की कोशिश करते हैं. सो हमारी भावनाएं सर्विस की होती है. सो हम कोशिश करते हैं कि अपने लोगों को, जो हमारे लोग खाना बनाते हैं, ये जो स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको खुश रखते हैं. Correct. उनको इन्वॉल्व करते हैं
बिजनेस के साथ, उनको सर्विस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व करते हैं ताकि लोग उस भावनाओं से खाना बनाएं और मिठाई बनाएं, नमकीन बनाएं, ताकि जो हमारे गेस्ट हैं, जो कस्टमर्स हैं, उसको रिलिश करें, एंजॉय करें, ट्रेडिशनल इंडियन फूड को रिलिश करें। हाउ टफ हैज इट बीन फॉर यू मनीष? आप यू नो यंग हो, मॉडर्न हो, आई मीन टू जॉइन अ ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली बिजनेस, इट कुड नॉट हैव बीन इजी। नो सी, बोथ थिंग्स आर देयर। जॉइंट फैमिली होने का फायदा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। बहुत बड़ा फायदा है जॉइंट फैमिली होने का कि बहुत बड़ी यूनिटी होती है और हमेशा आपके लिए सपोर्ट होता है, हमेशा आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है। आप गलती करें तो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, आपको हेल्प चाहिए तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम है, और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, कोई दूसरा आपका काम संभालने वाला है। सो एक जॉइंट फैमिली का बहुत फ़ायदा है। नुकसान उनमें से बहुत कम है कि कई बार डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है किसी चीज़ को लेने में, बट ओवरऑल डिसीजन बेहतर होता है जॉइंट फैमिली में। सो मुझे लगता है जॉइंट फैमिली का हमेशा फायदा मिला है, नुकसान मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ रियल ट्रू ब्लू ट्रेडिशनल इंडियन बॉय।